अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। उम्मीद के आप भी खैरियत से होंगे। और ये देखें, ये हम अभी उठे हैं नमाज के बाद, सब सो गए थे, अभी शाम के 5 बजे हैं। ये बिस्तरों की हालत देखें, अभी तक लपेटे नहीं हैं। और मैं तो स्कूल से आकर नमाज़ पढ़ के जो सो गई थी, तो अभी उठी हूँ। और यहाँ पर फ्रूट चाट की जो कटिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। और वहाँ पर जो है शरबत वगैरह सब बेबी ने रेडी कर लिए हैं। चलें आज बेबी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेबी। मैं बेबी से भी अभी मिली हूँ उठ के। क्या हाल है? आवाज़ पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। आवाज़ रोज़ से बंद हो जाती है। अभी नींद से अभी सब उठे हैं। आज हम इफ्तार में खाना बना रहे हैं क्योंकि पहले हाँ बताओ मेन्यू बना दिया था हमने कि हम अब खाना बनाएंगे। कभी खाना कभी हो, तो आज हमने कीमा बनाया है और फ्रूट ताकि पेट भरे और जो ताकत है वापस मिल जाए रोज़ों में जाने वाली, क्योंकि खाना मस्ट है। अगर ये सारी चीज़ें खा लेते हैं फिर खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो हमने जो है सोचा, मैंने कहा कि आज जो है कीमा बनाएं और पकोड़े शकोड़े आज नहीं बनाएं, क्योंकि पकोड़े वैसे भी बीमार करते हैं। डेली पकोड़े ये खाना ही नहीं खाते हैं। मैंने कहा फिर कैसे आप लोगों को ताकत आएगी। और अभी जो है आप लोग खाएं कीमा और पराठे होंगे, वो भी मैं देखती हूँ कि बेबी चढ़ा के आई है चूल्हे पर। और बेबी ने आज कपड़े भी वाश किए थे, मैं तो स्कूल चली गई थी। अल्लाह ताला इसको और हिम्मत देगा, ताकत देगा, हमें रोज़े भी रखवाती है। सुबह को सहरी में भी बेबी ही उठती है। इन चीज़ों का अजर तो अल्लाह ताला ही देता है, हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है कीमा पक रहा है, अभी इसमें हमने आलू डाले हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमने, शायद सर्दियों में कीमा नहीं पकाया था हमने, नहीं हाँ, उसमें सिर्फ गोश्त और चिकन था और साग थे, सब्जियाँ थी। और कीमा काफ़ी टाइम के बाद बनाया है। और वहाँ क्या है चावल। और यहाँ पर हमने आटा रखा है गूंदने के लिए और इसको अभी गूंदेंगे। हम सिंधियों के आटा गूंदने का अंदाज, और हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है आटा गूंदने का, लेकिन हम जो है इस तरह से ही गूंदते हैं। और पता नहीं आप लोग किस तरह से जो है आटा गूंदते हैं। मैंने नमाज़ पढ़ के असर की यहाँ मुसल्ले पर ही बैठी हुई हूँ, तो मैं ये कपड़े जो है ये लपेट रही हूँ जो बेबी ने आज वॉश किए थे, वरना यहाँ से मैं उठ जाती तो फिर ये काम यहाँ रह जाता। बच्चे वहाँ बैठे हैं, हस्बैंड वहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। और बेबी है किचन में, लगे हाथ में, कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए रोज़े से पहले, इफ्तार से पहले। और बच्चे जा रहे हैं अपने बाबा के साथ मस्जिद में खाना देने इफ्तारी। बच्चों को मज़ा आता है जब बड़ों के साथ मस्जिद में जाते हैं। ये है सामने मस्जिद है ये हमारे, और ये शाम का यानी कि रोज़ा खुलने का टाइम है, अभी 5 मिनट हैं सिर्फ। तो चलें, आप सबको जो है इफ्तारी की सलाह है, इफ्तारी करें आप भी हम भी करें। नमाज अजान का टाइम होने वाला है और मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ पर जो है मैं फ्रूट चाट सबको बांट रही दे रही हूँ। दस्तरखान लग चुका है। आज मैंने बताया था कि हमने खाना किया है, पकोड़े और दही बड़े और छोले हमने नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारा अलग से मेन्यू बना हुआ है कि आज क्या पकाना है क्या बनाना है। तो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और रोज़ा खुल रहा है। और जी इफ्तारी भी हो गई हमारी, नमाज भी हो गई, उसके बाद है जी हमारा खाना जो हम खा रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो है कस्टर्ड बनाया गया है और बेबी निकाल रही है। और बच्चे देखो कस्टर्ड के किस कितने दीवाने हैं। और अजवा की ये पोनी देखो
ये मैसी बन। अच्छा क्या है ये? जूड़ा ये अजमा का जूड़ा है। और ये देखो ये खुद ही जो आंखों में सुरमा लगा के आई है। फातिमा इधर देखो तो व्यूअर्स इसी के साथ मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। मिलते हैं अगली एक अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और जो नए देखने वाले हैं इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।